दोस्तों, हम लोग आसमान में टिमटिमाते तारे को देखते रहते हैं और यह हम लोगों को अलग अलग रंग में दिखाई देते हैं और यह अरबों तारे काफ़ी रहस्यों से भरा हुआ है। इन तारों के बारे में हर कोई इंसान जानने के लिए बेहद ही इच्छुक रहता है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि तारे क्या हैं और इनका रहस्य क्या है। तो चलिए तारों की अद्भुत दुनिया का सफर किया जाए। दोस्तों, 1609 में गैलीलियो ने दूरबीन की सहायता से तारों की पहचान की। आसमान में नंगी आंखों से सिर्फ 9096 तारे ही देखे जा सकते हैं। इससे ज़्यादा देखने के लिए आपको दूरबीन का प्रयोग करना पड़ेगा और ये लगभग सभी तारे सूर्य से बड़े और ज़्यादा चमकदार होते हैं। अब बात करते हैं कि आसमान में कितने तारे हैं। हमारी मिल्की वे आकाशगंगा में करीब 2 से 4 खरब तारे हैं और ऐसी ऐसी आसमान में 1 खरब आकाशगंगाएं हैं। कुल मिलाकर ब्रह्मांड में इतने तारे हैं कि एक के पीछे 24 जीरो, मतलब रेत के कणों से भी ज्यादा हैं। अगर आप 1 मिनट में 100 तारे गिने तो भी आपको एक पूरी आकाशगंगा गिनने में 2000 साल लगेंगे। तारे कैसे बनते हैं? हमारी आकाशगंगा में हर 18 दिन में एक नया तारा बनता है। सभी तारे अपने जीवन की शुरुआत एक धूल के बादल के रूप में करते हैं, जिसे नेबुला कहा जाता है। ये 74% हाइड्रोजन और 25% हीलियम से मिलकर बने होते हैं। इनके कोर में हाइड्रोजन की मदद से न्यूक्लियर रिएक्शन होता रहता है, जिससे इतनी एनर्जी मिल जाती है कि ये सालों तक चमकते रहते हैं। तारों का जीवन अरबों साल का होता है, लेकिन ये तारा जितना बड़ा होता है उतना ही इसका जीवन काल छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल, एटा कैरिन तारा, यह सूर्य से 150 गुना बड़ा और 40 लाख गुना ज़्यादा ऊर्जा उत्सर्जित करता है। यह बस कुछ लाख साल का ही मेहमान है, बल्कि सूरज अभी करोड़ों साल तक जिएगा। यह तारा कभी भी सुपरनोवा में बदल सकता है। जब भी ऐसा होगा, यह सूर्य और चंद्रमा के बाद आकाश में सबसे चमकीली चीज होगी और दिन में भी दिखाई देगा। सुपरनोवा में बदलने से पहले तारे लाल दानव का रूप ले लेते हैं और इस स्थिति में लाखों वर्ष तक का समय लगता है। उसके बाद सफेद वामन और फिर काले वामन के रूप में ये रूप ले लेते हैं, फिर सुपरनोवा में बदलकर फटने के कारण खत्म हो जाते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक नया तारा, न्यूट्रॉन तारा पैदा होता है। तारों की एक निश्चित अवधि होती है। कोई भी तारा जितना बड़ा होगा उतना ही उसका जीवन काल छोटा होता है। कोई भी तारा पैदा होता है तो बहुत ज़्यादा उसमें ऊर्जा उष्मा होता है। उसका रंग नीला होता है। नीला इसकी प्रारंभिक अवस्था होती है और लाल इसका अंतिम अवस्था होता है। इसमें तापमान में कमी से रंग बदलता है। लाल तारे को हम रेड ज्वाइंट कहते हैं। जब लाल तारा ठंडा हो जाता है तो वह फैलने लगता है, अंत में विस्फोट हो जाता है। इसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। व्हाइट ड्वार्फ यानी श्वेत वामन, जो विस्फोट होता है सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुने से कम होता है तो वह व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है। सार्थिक द्रव्यमान के 1.44 गुने की सीमा से अधिक होने पर वह न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा बन जाता है। न्यूट्रॉन तारा ये सिकुड़ता चला जाता है तो द्रव्यमान और घनत्व एक बिंदु पर आ जाता है। इसमें असीमित घनत्व होता है। इसमें इतनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति पैदा होती है कि अपने अंदर पूरा द्रव्यमान समेट लेता है। प्रकाश को भी ये पलायन नहीं होने देता है, इसलिए यह काला दिखाई देता है। इसे ब्लैक होल, कृष्ण छिद्र, कृष्ण विवर्त भी कहते हैं। सबसे नजदीक का तारा सूर्य है, लेकिन यह भी 14.96 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य के बाद जो सबसे नजदीक का तारा है वह है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो धरती से 4.22 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। लाइट को भी यहाँ तक पहुँचने में 4.2 साल तक का समय लग जाएगा और अभी हमारे पास जो सबसे फास्ट टेक्नोलॉजी है उससे यहाँ तक पहुँचने में 75,000 साल लग जाएंगे। सबसे दूर का तारा, असल में वैज्ञानिक अभी तक सबसे दूर के तारे को नहीं ढूंढ पाए हैं, लेकिन नंगी आंखों से अंधेरी रात में दिखाई देने वाला सबसे दूर का तारा है डेनेब। यह 19 पदम मील दूर से भी दिखाई दे जाता है। सबसे ठंडा तारा वाइज J085510.83 से 07144.25 ब्रह्मांड का सबसे ठंडा तारा है। इसका तापमान -18 डिग्री सेल्सियस से -13 डिग्री सेल्सियस के बीच है। यह सूर्य से 7.2 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इस प्रकार यह सूरज का चौथा सबसे करीबी तारा है। सबसे गर्म तारा
209,726 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ वुल्फ राइट 102 आसमान का सबसे गर्म तारा है। सबसे बड़ा तारा UY स्कूटी ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है। यह सूर्य से 1708 गुना बड़ा है और इसका आयतन सूर्य से 5 अरब गुना ज़्यादा है। यह पृथ्वी से 9,500 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। सबसे छोटा तारा EBLM J0555 से 57 AB ब्रह्मांड का सबसे छोटा तारा है। यह शनि ग्रह के आकार का है। यह 600 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इस तारे पर गुरुत्वाकर्षण बल धरती से 300 गुना ज़्यादा है। सबसे चमकीला तारा साइरस तारा आसमान का सबसे चमकीला तारा है। यह इतना चमकता है कि कई बार लोग इसे UFO समझ लेते हैं। यह सूर्य से भी 20 गुना ज़्यादा चमकदार है। सबसे पुराना तारा तारों की औसतन उम्र 1 से 10 अरब साल तक होती है, लेकिन अभी तक ज्ञात सबसे पुराना तारा 14.46 अरब साल यानी ब्रह्मांड से भी पुराना है। यह धरती से 190 लाइट ईयर की दूरी पर स्थित है। ध्रुव तारा, लोग सदियों से उत्तरी ध्रुव तारे को दिशा जानने के लिए प्रयोग करते आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि अन्य तारे चलते रहते हैं, लेकिन यह आसमान में एक जगह फिक्स है। लेकिन अब ये सब कहानियां बनकर रह गई हैं और सच्चाई ये है कि ध्रुव तारा भी अपनी जगह पर स्थिर नहीं है। धूमकेतु या पुच्छल तारा, आकाश में पुच्छल तारे भी होते हैं। इनकी पूंछ अमोनिया मीथेन भाप और बर्फ के कणों से बनी होती है जो लाखों मील लंबी हो सकती है। इसकी पूंछ की दिशा हमेशा सूर्य से दूर की ओर होती है। ये भी अपने अक्ष पर सूर्य के चक्कर काटते हैं। एक अनुमान के मुताबिक हर साल 9 नए धूमकेतु की खोज होती है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे कभी टिमटिमाते नहीं हैं, बस हमें ऐसा लगता है। जब तारे क्षितिज के पास होते हैं तो इन्हें कम और ज़्यादा घनत्व वाली परतों से गुजरना पड़ता है, इसलिए इनका प्रकाश कभी कम होता है तो कभी ज़्यादा, और हमें ये चमकते या टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। टूटता तारा क्या है? वास्तव में तारे टूटते नहीं हैं, ये बस हमारा वहम है जो हमें गिरते हुए दिखाई देते हैं। वो असल में उल्का पिंड होते हैं। अंतरिक्ष से पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ये जल उठते हैं और राख बन जाते हैं, और ये ज़्यादातर समुद्रों में ही गिरते हैं। यदि तारे गायब हो जाए तो क्या होगा? सिवाय सूरज के अगर सभी तारे गायब हो जाए तो हमें इस बात का 4 साल बाद पता चलेगा। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में तारों की ऊर्जा 10^67 जूल है, वो खत्म हो जाएगी। तारों का वजन बहुत ज़्यादा है तो सारे तारों के गायब होने से मिल्की वे गैलेक्सी का वजन 5% तक कम हो जाएगा, और यदि ये तारे सुपरनोवा प्रक्रिया के द्वारा खत्म होते हैं तो हमें बहुत अधिक मात्रा में फ्लैश दिखाई देगा। बाकी कुछ बड़ा घटित नहीं होगा, लेकिन अगर सूर्य गायब हो गया तो दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तारों की रोशनी को धरती तक पहुँचने में कई साल लग जाते हैं। इसका मतलब जब आप आसमान में सितारों को देखते हैं तो आप भूतकाल में देख रहे होते हैं। जो सूर्य हमें दिखाता है वह 8.3 मिनट पुराना, और जो अल्फा सेंचुरी हमें दिखाता है वह 4 साल पुराना होता है।